दी वाटर टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज में हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नौलों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हमारा पहला एपिसोड है सिंड्राकोट का नौला। अल्मोड़ा कोसानी मार्ग पर पातलीबगड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिंड्राकोट के पास राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत का पैतृक गांव पंथोड़ा है और इसी पंथोड़ा गांव में है सिंड्राकोट का ऐतिहासिक नौला। पंथोड़ा गांव के लगभग सारे परिवार पलायन कर चुके हैं। नौले का उपयोग करने वाला आज वहां कोई नहीं है, किंतु 15th सेंचुरी में बना ये नौला आज भी अपनी अद्भुत कलात्मक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर शैली में निर्मित इस नौले के मुख्य भाग में 200 सचित्र स्तंभ हैं। बरामदे में प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक एक बड़ा पत्थर लगाकर नहाने और कपड़े धोने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बाहरी दीवारों को भी मूर्तियों के पैनल लगाकर सजाया गया है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के स्तंभों को 5 पत्रावलियों से सजाया गया है। इसके डिजाइन मणिबंध और पत्र शाखाओं के हैं। जलकुंड क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर चौड़ा होता जाता है, जो कि लगभग सभी नौलों का बेसिक डिजाइन है। गर्भगृह में भी देव प्रतिमाएं बनाई गई हैं और गर्भगृह के मध्य भाग में मूर्तियों के पैनल लगाकर विष्णु के दशावतारों को दर्शाया गया है। अब इन पैनलों में कल्कि, राम लक्ष्मण और मुरलीवादक कृष्ण के पैनलों के अलावा बाकी के पैनल क्षतिग्रस्त होने की वजह से अस्पष्ट हो गए। गर्भगृह की छत की वास्तुकला एवं कलात्मकता की दृष्टि से अनुपम। नौले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुंड का पानी ओवरफ्लो होकर बरामदे से नहीं निकलता है, बल्कि अतिरिक्त पानी रिस करके निचले भागों में चला जाता है। नौले की बाकी बाहरी दीवारों पर भी एक एक स्तंभ है और पैनल लगाकर इनको सुसज्जित। किंतु आज लगभग सारी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अगर इनका भी संरक्षण नहीं किया गया तो राष्ट्रीय महत्व की धरोहर भावी पीढ़ी को खंडहर के रूप में ही मिलेगी। बाईं तरफ की दीवार का स्तंभ एक तरफ को झुक चुका है, जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर यह स्तंभ क्षतिग्रस्त हुआ तो नौले की छत को भारी नुकसान होगा। नौले की छत पर उगाई घास और झाड़ियां उसको दिन प्रतिदिन नुकसान ही पहुंचा रही है। आशाएं ऐसे ही है कि वो इस नौले को बचाने की तुरंत पहल करें। सिंड्राकोट के नौले से लगभग 800 मीटर की दूरी पर एक और नौला है, जो पहाड़ों में इकोसिस्टम को अनदेखा कर
होने वाले तथाकथित विकास के भेंट चढ़ चुका था। जब इसके ऊपर से रोड का निर्माण हुआ तो रोड के मलबे से इसको दबा दिया गया। अब स्थानीय लोगों के प्रयासों से इस पर आरसीसी लिंटर डाला गया है, जिससे इसको पुनर्जीवित किया गया है। पांच सौ सालों से भी अधिक समय से चले आ रहे इन सस्टेनेबल नौलों का संरक्षण तो होना ही चाहिए। हमको भी इन ऐतिहासिक नौलों को बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी।